We mash up the place, turn up the bass and make them. We mash up the place, turn up the bass and make them. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. सो टुडे आई वॉज सपोज टू गो टू रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर क्योंकि बाइक के अंदर थोड़ा सा काम था, पर उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी खबर के साथ हमने वो प्लान किया पोस्टपोन, क्योंकि वो पोस्टपोन करना ही वर्थ था। एंड आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हे एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई ध्रुव मोटो ब्लॉग्स, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल की वीडियोस बनाता हूँ। सो प्लीज़ सी द चैनल एंड डू सब्सक्राइब। ओके, ऑलरेडी हैड अ स्कूटर, पर इसकी जब बात करते, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, वी ऑलरेडी हैड अ स्कूटर पर इसकी जब बात करते हैं तब हमें अपग्रेड करना था आगे। तो आई थिंक जो मैं सोच रहा हूँ वही आने वाला है। अरे यार, कलर अच्छा आ जाए, थोड़ा मैचिंग हो जाएगा ना। आ गई जो पहले छुएगा उसकी है। तूने कैसे टच कर दी? मैंने एक साथ होएगा। ओह कितनी यार, कितनी सुंदर लग रही है ये तो। अबे ये तो लिटरली रेड और ब्लैक का दोनों कॉम्बिनेशन बन गया। सही लग रही है यार, एक ही फ्रेम में दोनों रेड ब्लैक, रेड ब्लैक। बाकी देख, अपना तो एक उसूल है, तुझे चलानी है ये तो मैं चलाऊंगा बुलेट, और तू क्या चलाएगी? चलाऊंगी, वो चलाऊंगी मैं। तो एक काम करे जरा, देख यार इक्वल कंपटीशन होना चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो तू एक काम कर, तू ना वहाँ जाके खड़ी हो, तू उस बाइक के पास जाके खड़ी हो जो यहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगा स्कूटी को हाथ लगाएगा, वो उसकी हो जाएगी। देखो गाइज, इक्वल कॉम्पिटिशन होना चाहिए, स्कूटी घर के अंदर एक आई है तो दोनों की होगी। ये तो इक्वल कॉम्पिटिशन हुआ है, तो जानबूझ के जितने दिया मैंने। क्या आवाज है यार, ये सेटिंग कितनी कंफर्टेबल है इसकी। सो गाइस, आपने इनॉग्रेशन तो देख ही लिया। लेट्स गिव अ फर्स्ट स्टार्ट। इसके अंदर किल स्विच है, ये अच्छी बात है। लाइक अ बाइक, हियर द फर्स्ट नोट। तो हमने जो फाइनली अपनी फुल टेस्ट वेस्ट राइडिंग कर ली है, लेकिन एक जो है ना वो दिक्कत आ गई है, वहाँ पर चेक नहीं करी या फिर उसके ऊपर जो पन्नी वगैरह लगी हुई थी उसके अंदर ये क्रैक आ गया है। इनको यार चेक करना चाहिए था, तभी मैं आप सबको कहता हूँ कि अगर आगे फ्री डिलीवरी इंस्पेक्शन वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँ के अंदर मैं ये कहूँगा कि जितने भी पन्नियाँ हैं, रैप्स हैं, हर चीज़ हैं, आई मीन जो पॉली रैप्स हैं वो सारे उतार दो एंड हर चीज़ चेक करो एंड फिर लेकर आओ अपनी बाइक कार जो भी है। बाकी दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, मज़ेदार चीज़ है यार, वाह शानदार। मतलब इसका जो रेड का जो ग्लॉस में है एंड जो कॉम्बिनेशन है मैट के साथ, बहुत सुंदर लग रहा है यार, आई मीन ब्यूटीफुल। बस ये जो है ना, ये एक दिक्कत ख़त्म करेंगे। बाकी जो स्कूटी है उसने जो पर्पस है अपना वो पूरा सॉल्व कर दिया है। हमारे पास ऑलरेडी TVS जुपिटर होंडा एक्टिवा है, लेकिन ये जो है ये प्रॉपरली वर्क पर्पस के लिए हमारे घर के अंदर आई है। एंड इसका आने का मतलब ही यही था कि हमारे पास जो पहले स्कूटी थी वो हमने दे दी थी, क्योंकि उसका टाइम हो चुका, 4-5 साल हो गए थे उसको, तो अभी ये लेकर आए 4-5 साल। तब ये न्यूली लॉन्च हुई थी, पर इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ चुकी है। बाकी बूट की अगर बात करें तो बूट इज़ वेल इनफ, जहाँ पर मेरा कैमरा वगैरह सब आ गया था। एंड यहाँ पर चार्जर भी है, मेरे ख्याल OBD पोर्ट का होल है, ये सारा सर्विस सेंटर वालों का काम है। जितने FI सिस्टम वाली चीज़ है वो सारी OBD पोर्ट से ही होती, बाकी नीचे से तो कोई डिक्की वगैरह नहीं खोल सकता, जैसे हम अपनी एक्टिवा में, जुपिटर में खोल देते थे। नहीं, जितनी मुबारक बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उन सभी का रिप्लाई करूँगा। एंड अब सबके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आप सबके साथ एक छोटी सी जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था अपनी लाइफ का वो शेयर करना चाहता था। हाँ 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 दोस्तों, सुबह हो चुकी है और एकदम मस्त ऐसे शाइनी शाइनी एकदम मौसम हो गया, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। ये रेड कलर का रेड सेडेशन हमने लिया है, एज कॉमन एज सबने लिया है, बिकॉज वी वांटेड टू स्विच इन परफॉर्मेंस एंड TVS पर तो ऑलरेडी भरोसा था। सही है, इसके अंदर स्ट्रीट मोड, अपना स्पोर्ट मोड सब आ जाता है यार, बताओ। करते हैं हम थोड़ा सा क्रूज एंड लेट्स गो टुवर्ड्स इंडिया गेट। बाकी इसके मिरर्स बहुत बढ़िया हैं यार, आई एम अमेज्ड। एंड जो मौसम हो रहा है दिल्ली का, क्या बात है यार, क्या बात है। ओए होए 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 होए, हेलो बर्ड्स, वेयर आर यू गोइंग टू? आई एम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यार एकदम, एंड द टेम्परेचर इज, शायद टेम्परेचर नहीं दिखाता ये, एंड वहाँ जाते जाते शायद वो जो रेड लाइट है वो ग्रीन हो जाए, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस हो जानी चाहिए।
क्योंकि लोग तो यहाँ रुकते नहीं बेचारे, पता नहीं कैसा एक गाड़ी वाला रुक गया यार, पिटी ऑन हिम, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। लो भाई रुका ही नहीं, बिल्कुल यूजलेस। मैं कह रहा था पहुँचते ग्रीन हो जाएगी। इधर ऑयल टेम्परेचर भी है एंड द फ्यूल गेज 252 किलोमीटर्स, 617 इज द टाइम एंड दिस इज द ट्रिप मीटर। भगाओ ओए बेटे, अब बेटे पहुंच कर दे। सो इन द इको मोड दिस इज गोइंग टिल 50 किलोमीटर्स पर आवर एंड आई लव साइकिलिंग मैन। इट इज एग्जैक्टली 1 year बैक आई सोल्ड माई बाइसाइकिल फॉर द एक्सचेंज ऑफ GoPro, बट दिस वॉज द ओनली डिसीजन दैट आई रिग्रेटेड आफ्टर वर्ड्स, क्योंकि मुझे अपनी साइकिल किसी भी हालत में नहीं बेचनी चाहिए थी, बिकॉज दैट वॉज ओनली माई that was the only way I could get into my health benefits. मतलब जिम करना, एक्सरसाइज करना, ये सब करने में मैं ना लिटरली बोर हो जाता हूँ, तो इट वॉज द ओनली वे टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर थिंग्स एंड गेट फिट, चलाने के लिए ले सकूँ। यार दिस होल्ड्स द रोड वेरी वेल मैन, वेरी वेल। अभी शार्प टर्न आ रहा है, इस पर लीन करके देखते हैं आराम से बट हाउ डज दिस गो। Amazing and the center balance is also good. मतलब ये बाइक कहीं भी नहीं जा रही है एकदम, मतलब ये स्कूटी सीधी जा रही है एकदम। hey, यहाँ के कितनी ठंड लगने लग गई। almost the temperature here would be 15 degree Celsius approximately, इतना ही होगा because I'm getting the chills and the goosebumps on my hand. But this was the way जब हम cycling जाते थे towards India Gate from Naraina, from my home. एंड वाओ यार, गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। मतलब पीपल, लोगों के पास कोई भी साइकिल हो, कोई भी मतलब कुछ हो, दे जस्ट गेट इन टू एक्टिविटी। आई लव दिस थिंग अबाउट कहीं अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है स्केटिंग के अंदर भी, वो मैं आपको राष्ट्रपति भवन जाकर दिखाऊंगा। स्मॉल स्मॉल मंकीज टूवर्ड्स वॉकिंग टूवर्ड्स द रोड एंड मंकी, मदर मंकी एंड द बेबी मंकी, द पापा मंकी and the chacha monkey. You can see all the parivar over here and this is the high security VIP must be going. aap dekh rahe ho maine isko kitna zyada lean kar diya, matlab almost end tak hi le aaya hu main isko and the headlights are perfect, matlab itni zyada achhi nahi hai city ke hisab se, theek hai. agar aap isko highway pe leke jaoge to bhool jao kuch dikhne wala hai. tires are very grippy and very broad, exhaust note is awesome, matlab isse zyada acha exhaust note mujhe shayad hi kisi ka laga ho. ye cheez hi aapko restrict karti hai baithne se, matlab if you are taking curves देन आपको इतनी पोजीशन और पीछे चाहिए ही चाहिए। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी सीट आगे बनवाऊंगा अच्छे से प्रॉपर। वो देखो वानरों की प्रजा, हमारा पूरा रास्ता रोक कर खड़ी है। आइए आप सबको उन सबसे वाकिफ कराएं, ये है हमारे चाचा मामा बुआ। इट्स अ मंकी डिप्लॉयमेंट गाइस एंड इनके जो बच्चे हैं कितने छोटे छोटे हैं, ओ माय गॉड, लिटरली कैन यू सी। हेलो हेलो हेलो, फिलहाल तो आई एम रिकॉर्डिंग ऑन GoPro, इसके अंदर शायद दिखे या ना दिखे, पर इन द सेंटर देर इज इंडिया गेट एंड द सनराइज इज गोइंग ऑन इन द सेंटर इज द फ्रेम, देर इज इंडिया गेट। ओ जॉगिंग आई थिंक एंड यार सुंदर लग रहा है यार, कितने ज़्यादा कट्स है यार इसके अंदर, मतलब आगे इतने सारे कट्स, पीछे इतने सारे कट्स, फेंडर डिज़ाइन में बहुत सारे कट्स हैं लिटरली। यहाँ पर भी स्केटिंग का जो कल्चर है वो आ चुका है लिटरली। भागो भागो भागो, हमने लाइफ में इतनी ज्यादा पीसफुल रेड लाइट कभी दे ही देखी होगी। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ द स्कूटर, मुझे ये लगा दैट इसके अंदर एक फुल फेस हेलमेट आने की जगह ही नहीं है। अब बताओ यार, अगर मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मैं लिटरली इस हेलमेट को क्या, मैं इसको स्ट्रैप से बांध के रखूँ, इसकी स्ट्रैप काट के कोई ले जाएगा यार। बाकी तो अपना सीन ऐसा है कि कनॉट प्लेस के अंदर थोड़ा सा चक्कर लगा रहे हैं एंड यार मुझे ये साथ में लेकर नहीं चलना था, आई वॉन्ट जस्ट द कैमरा, पर कोई बात नहीं ये साथ लेकर चल रहे हैं। बट लुक एट द सीन, हियर इज द ग्राफिटी, व्हाट पीपल डू इज पीपल कम हेयर एंड दे जॉग दे फीड, मतलब रात को इससे अच्छी जगह कोई नहीं है एंड सुबह भी इससे शायद कोई अच्छी जगह कोई नहीं है।
एंड ऑल्सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि ये जो जितनी सारी वीडियोज़ हैं, ये जितनी सारी रील्स हैं, ये सारी आपको वहीं देखने को मिलेंगी। इतने लोगों को पता नहीं कि कनॉट प्लेस क्या है। दिस इज़ द बेस्ट चिलिंग प्लेस इन दिल्ली। ये एक सर्कुलर शेप के अंदर है जहाँ पर सारे ब्रांड्स की शोरूम अवेलेबल है। सपोज कैंटरबेल इज़ ओवर हेयर, एंड यहाँ पर सारे डाइन आउट्स हो गए, कैफेज़ हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ए टू जेड हर चीज़ यहाँ पर है। गो टूवर्ड्स द स्कूटर एंड लीव फॉर होम। अगर सीरियसली आज मेरे पास एक सुपर बाइक होती या फिर एक हाई एंड सीसी बाइक होती, तो फिर ये जो रास्ता है ना आज का, जो आज डेली जिस तरीके से खाली पड़ा हुआ है, आई विश आई कुड जस्ट स्क्रू अप द बाइक टू द, इसको मैं भी भगा नहीं सकता, फर्स्ट सर्विस होने दो, थोड़े से किलोमीटर इसका इंजन ब्रेकिंग हो जाए। अपना चेहरा लिटरली पिंक पिंक हो रखा है ना, हाथ तो आप देख ही सकते हो। आई एम प्रिटी श्योर आप सबका भी हाल होली खेलने के बाद यही होता होगा। आपकी कैसी गई ये कमेंट करके जरूर बताना। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको ये डेली टाइप ऑफ वीडियो, मतलब ऐसी वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड इसको ब्लॉग फॉर्म में रखा है ताकि इसके अंदर मोटो व्लॉग और जो मेरी पर्सनल लाइफ का व्लॉग है वो आपको देखने को मिले। वीडियो ना नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। ओके सो बस चलते हैं अभी। वैसे मैं सोकर उठा था, ऑलमोस्ट इट्स 9 PM इन द नाइट। लव यू ऑल। ओके 10,000 सून, एंड अगर आप 10,000 के बाद देख रहे हो तो अगला माइलस्टोन 20,000 पार कराओ, ठीक है? एंड सब्सक्राइब विद द बेल आइकन ऑन। ओके बाय बाय।